आप जाटवान बस्ती में वोट मांगने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सर्व समाज का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, और जब से माननीय बहन जी ने मेरी टिकट की है तो सर समाज में अब की बार करहल विधानसभा में एक नया उत्साह सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि करहल की जनता के बीच मैं हमेशा बना रहा हूं, उनके हर सुख दुख में शामिल रहा हूं, और यहां जो सरकारें रही हैं चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो या आज मौजूदा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लोगों ने इससे पहले माननीय बहन जी का भी शासन देखा है, तो आज इस पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या अपहरण बलात्कार लूट की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और आज पीड़ित की कोई सुनने वाला नहीं है। आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सर्व समाज ने ये देखा है कि जब इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार या औकात नहीं होती है कि वो किसी से उलझ सके, और जब इन लोगों की सरकार होती है तो इन्हें जैसे गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो आज इस करहल विधानसभा की जनता ने ये अपना पूरा मन बना लिया है कि अब की बार करहल विधानसभा से नेता नहीं, उनके बेटा और अपने भाई को जिता के भारी बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को जिता अच्छा के वहीं भेजने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल जी के साथ कल ग्रामीणों ने मीठेपुर क्षेत्र में अभद्रता करी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही गलत काम है, लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों को अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भी गाली गलौज किया है तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसा उन्हें भी नहीं करना चाहिए था। ऐसा है, बीएसपी जब बहुजन समाज पार्टी की 2007 में जो हमारी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी थी तब भी मीडिया हमें नहीं दिखा रही थी, और आज 2000 वाली सेम पिक्चर चल रही है, क्योंकि माननीय बहन जी के शासनकाल लोगों ने देखा है, चाहे नौजवान हो, किसान हो या बेरोजगार हो, माननीय बहन जी ने सबसे ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया। आप लोगों ने देखा माननीय बहन जी की जब सरकार बनी थी तो बहुत समय से बैकलॉग भर्तियां खाली थी, माननीय बहन जी की जब सरकार बनी माननीय बहन जी ने चाहे एससी समाज के हो या ओबीसी समाज के हो या अपर कास्ट में भी बैकलॉग भर्ती पूरा करने का काम किया। इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने सबसे बड़ी जो पुलिस की भर्ती हुई थी पूरे देश ने ये माना था कि माननीय बहन जी के शासनकाल में ऐसी निष्पक्ष भर्ती और पूरी ईमानदारी से हुई है, ऐसी भर्ती कभी किसी शासनकाल में नहीं हुई।